तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो यार मैं फिर से वापस आ चुका हूँ इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं पहला अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट है संदीप महेश्वरी के बारे में। तो यार कुछ दिन पहले संदीप महेश्वरी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे जिसका टाइटल था संदीप महेश्वरी ऑन पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन एंड नो फैब। तो संदीप महेश्वरी के इस वीडियो के बाद कुछ यूट्यूबर संदीप महेश्वरी को क्रिटिसाइज करते हुए अपने चैनल पे वीडियो बनाए थे। तो उन्हीं सब वीडियो के ऊपर संदीप महेश्वरी अपने लेटेस्ट वीडियो में रिएक्ट किए। वो क्या बोले मैं आप सबको उनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पर जिसका टॉपिक था पॉर्न एडिक्शन मास्टरबेशन एंड नो फैब। और मुझे अच्छे से पता था कि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी बहुत सारे लोग इस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इस वीडियो पर रिएक्ट किया। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिएक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, यानी कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आराम से मेरे एक एक पॉइंट को समझा, फिर उसको लॉजिकली क्रिटिसाइज किया। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं उस वीडियो को देख करके, और उन लोगों ने अपने YouTube चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज किया है। इनफैक्ट मैं कहूंगा अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया है। जो भी लोग ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, मेरा आप लोगों को ये सजेशन है, एक बार अपने लॉयर से आप डिस्कस करिए कि ये जो मैं कर रहा हूं इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। इट इज अ सिविल एज वेल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि जो हमारी लीगल टीम है वो आपके अगेंस्ट FIR भी लॉन्च कर सकती है और एक डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकती है। तो मैं बस इतना सा कहूंगा, अगर आप अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या मेरी वीडियो को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं अपनी वीडियो में या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो मेरा आपको ये सजेशन होगा कि एक बार अपने लॉयर से डिस्कस कर लीजिए कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है सम्राट भाई के बारे में। तो यार सम्राट भाई कल अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसका टाइटल है इंडियंस रिप्लाई टू कड़ी पुलिस फीचरिंग नमस्ते को है। बेसिकली इस वीडियो में सम्राट भाई कड़ी पुलिस सॉन्ग और नमस्ते को है के ऊपर रिएक्ट किए। तो मैं आप सबको उनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। जिसने भी ये बनाया मैं तो ये समझाना चाहूंगा ब्रो, इसको देख के हम लोग टीज नहीं हो रहा बल्कि इरिटेट हो रहा है सीरियसली। खैर आई नो आप में से कई लोग इस गाने को सुन के ट्रिगर हुए होंगे, लेकिन मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा इस लेवल के बारे में जिसपे ये गाना डाला उस लेवल के बारे में बताना चाहूंगा। दो चीजें बताना चाहूंगा बेसिकली। पहली चीज की भैया ये जो चैनल है ना वो जापान का बाबा सहगल है, मतलब आप जब जाकर इस चैनल पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें सिर्फ खाने पीने की बातें होती है। जैसे वो आलू का पराठा दही लस्सी ये सब बनाता रहता है हमारा बाबा सहगल, वैसे ही ये लोग बनाते रहते हैं। पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको इस लेवल के बारे में बताना चाहूंगा, इस लेवल पे लिटरली हमेशा मॉकिंग ही खेला जाता है। इन्होंने आज से कुछ दिन पहले मॉन्क और बुद्धिस्ट को भी डिस किया था, कोशिश करी थी उन्हें डिस करने की, उनका मजाक उड़ाने की, हालांकि उनको उस वीडियो पे हेट नहीं मिला क्योंकि शायद इनके चुटिया लेवल के ओनर को किसी ने ये नहीं बताया था कि चाइना में यूट्यूब नहीं चलता, दैट द रीजन। तो जो वहां हिट नहीं मिला, लेकिन इसको आप शायद समझ में आ गया होगा कि इंडिया में जरूर इंटरनेट चलता है ब्रो, यहां चाइना वाला हिसाब किताब नहीं है। यहां अगर उल्टी सीधी हरकत करोगे तो डिसलाइक भी खाओगे और गाली भी। लेकिन देखो जो लोग आगे का सोचते हैं उनको बताना चाहूंगा कि जितनी भी ये वेस्टर्न मीडिया या फिर वेस्टर्न लोग हैं वो हमारे कल्चर से चिढ़ते हैं। किसान आंदोलन के टाइम में तुमने टूल किट देखी होगी, उस टूल किट में क्या था, चाय और योगा को डिफेम करना था। चाय योगा क्या था भाई, हमारा कल्चर में से निकल के आता ना एक पॉइंट। तो भैया पॉइंट इज दैट कौए के कोसने से ढोर नहीं मरते, इसलिए आपको बताना चाहूंगा कोई दिया हमारे कल्चर को डिफेम नहीं कर सकता और कोई दिया हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकता। अगर कोई जापानीज हिंदी में वीडियो बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे कल्चर से प्यार करता है, नहीं, वो हमारी ऑडियंस से प्यार करता है। या 150 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, उसको ये बात पता है, दैट द रीजन वो हमारे कल्चर को भी प्यार कर रहा है। तो प्लीज जाके इतना प्यार मत बरसाया करो, माय गॉड एक अंग्रेज हमारे लिए कितना मर रहा है। तुम्हें नहीं प्यार करता, वो हमारी ऑडियंस से प्यार करता है। तो यार सम्राट भाई अपने इसी वीडियो में एलविस यादव के साथ का एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना है। बेसिकली उस कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू सम्राट भाई और एलविस यादव अपने अगला वीडियो का अपडेट दिए। मैं आप सबको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। ओ फक, हेलो शोई का कॉल। हेलो, हाँ भाई, क्या हाल चाल है ब्रो? अरे बस ब्रो, एक नंबर। मैं कह रहा हूँ वो देखी थी ना निकिता? अच्छा वो कौन सी? वो स्टोरी डाल रखी थी मैंने आजकल के। हाँ देखी देखी। पढ़ाओ इसके ऊपर वीडियो फिर देख लो, लफड़ा ना हो फिर से कॉन्ट्रोवर्सी। अरे यार लफड़ा वफड़ा तो क्या ही, अब इसकी आदत पड़ गई भाई। तो भाई मैं चाहता नहीं लफड़ा हो, बट हाँ हो जाता है। तो फिर मैं भी तो भाई गलत चीजों के साथ थोड़ी देंगे यार। हाँ तो ठीक है, मैं भी बना देता हूँ फिर, है ना?
तो गाइस आपको हिंट तो मिल गया होगा कि अगला वीडियो किसके ऊपर आ रहा है और कितने टाइम बाद एक प्रॉपर रोस्ट वीडियो आने वाला है दोस्त। तो यार इसके बाद आज सम्राट भाई अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करके बताएं कि उनके इस वीडियो को यूट्यूब ने शैडो बैन कर दिया। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो यार लक्ष्य चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पे एक 22 मिनट का वीडियो अपलोड किए हैं जिसका टाइटल है डोंट फॉल इनटू दीज ऑनलाइन बिजनेसेस फीचरिंग MLM। बेसिकली इस वीडियो में लक्ष्य चौधरी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात किए हैं। जैसे आप में से काफी सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज आता होगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस करो और 20,000 से 30,000 महीना कमाओ, ये करो वो करो, इस टाइप का मैसेज आता ही होगा। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर लक्ष्य चौधरी अपने वीडियो में बात किए हैं। तो मैं आप सबको लक्ष्य चौधरी के वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। Hey, I am Ritik. I am a business coach. I am working on my new business project and I need some business partners. Hey, Suhasini, Arjun Bansal this side. Found your profile very interesting. I just want to ask you that you are open for a business collaboration for brand promotions. ऐसा कोई भी मैसेज अगर आपको अपने इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप पे अभी तक आया है तो अपने आपको बिल्कुल भी लकी मत समझो। ये MLM वालों का नया तरीका है आप लोगों को बकरा बनाने का। अब MLM वो MLM नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया है और अब वो बन चुका है ऑनलाइन बिजनेस, पैसिव इनकम, सेल्फ बिजनेस, अपना बिजनेस। और अब MLM वाले नए बकरों को चूतिया नहीं बोलते, अब वो नए बकरों को और खुद को बिजनेस कोच बोलते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बोलते हैं, बिजनेस एडवाइजर बोलते हैं, मिलियनेयर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। भाई जिस देश में पैंडेमिक के चलते लाचार लोगों को दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों के मिल रहे हैं, जहां पे मदद का दावा करने वाली फाउंडेशंस, NGOs लोगों से करोड़ों रुपए डोनेशन के नाम पे लेके सब कुछ गपत कर जा रही हैं और मरीजों को ठेंगा दिखा रही हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे देश में कोई अपना टाइम निकाल के तुम्हें बिजनेसमैन बनाएगा, तुम्हें अमीर बनाएगा, तुम्हें पैसे कमाने का जरिया देगा? एक्चुअली MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, ये सब शब्द अच्छे से एक्सपोज हो चुके थे। तो अब इन कंपनीज ने और इनमें काम कर रहे लोगों ने एक नया रास्ता निकाल लिया। एक तो डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे भारी भरकम शब्द लो जो ट्रेंड में है, ऊपर से लॉकडाउन है, तो इस चुत्तड़ MLM स्कीम को ऑनलाइन बिजनेस कह के बेचना शुरू कर दो, लोगों के सामने दिखावा शुरू कर दो, तो कुछ लोग तो इजीली फंस ही जाएंगे। और जब तुम अपना बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, मिलियनेयर, पैसिव इनकम जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हो तो 10 में से 8 लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग जिनकी नॉलेज थोड़ी कम है ऑनलाइन चीजों को लेके, वो इनके जाल में फंस ही जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है बेसरा मक्की के बारे में। तो यार बेसरा मक्की कल अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसका टाइटल है द बिगेस्ट स्कैमर एक्सपोज्ड बाय बेसरा मक्की। बेसिकली इस वीडियो में बेसरा मक्की हेमकुंड फाउंडेशन, किसान प्रोटेस्ट और उसके साथ साथ भुवन बाम और आशीष चंचलानी को एक्सपोज किए हैं। तो मैं आप सबको उनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। अगर आप लोग को उनका वीडियो पूरा देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब जो लोग भी ये कह रहे हैं कि असली किसान ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग मुझे ये बताओ कि इस प्रोटेस्ट में आतंकवादियों की फोटो लेकर उनकी रिहाई की मांग क्यों की जा रही है? हमारे देश के किसान आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं क्या? और इस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे? हमारे किसान पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं क्या? पाकिस्तान के लिए अनाज उगाते हैं क्या? इस प्रोटेस्ट में मोदी जी को मानने की बात कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में युवराज सिंह का बाप योगेंद्र सिंह हिंदुओं की औरतों को 2-2 टके में बिकने वाली बता रहे थे। क्यों, हमारे देश के किसान हिंदू नहीं है क्या? और अगर किसी को पता ना हो तो उसे मैं ये बात बता दूं, सिख रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ हिंदू। क्या तुमने कभी भी इस बारे में सोचा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स सबको सिर्फ हेमकुंड फाउंडेशन का काम ही पसंद आया और सब हेमकुंड फाउंडेशन को ही डोनेशन देने की बात क्यों कर रहे हैं? मैथपैड और स्ले पॉइंट ने लोगों से 50,00,000 रुपए लेकर हेमकुंड फाउंडेशन में दिए और ऊपर से भुवन बाम और आशीष चंचलानी ने भी खुद से दिए और लोगों को भी डोनेट करने के लिए कहा। मतलब सिर्फ 3-5 यूट्यूबर के कहने पर ही हेमकुंड फाउंडेशन को 1-1.5 करोड़ की फंडिंग मिल गई होगी। तुम लोग खुद ही सोचो यार, एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 40-50 लाख रुपए लगते हैं और वो हर रोज 20 सिलेंडर बना के देता है ऑक्सीजन के, तो ये फाउंडेशन ने अभी तक एक भी ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनाया? तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है मुंबईकर निखिल के बारे में। तो यार मुंबईकर निखिल कल अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करके लिखे, व्हेन यू सी यूट्यूब इज टर्निंग इनटू ए वन्नाबी टिकटॉक, इट मोर पेनफुल देन ए ब्रेकअप। और फिर अगला स्टोरी में कुछ ये बोले, मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन 15 से 20 सेकंड के YouTube वीडियो को 6-7 लाख, कभी कभी 1 मिलियन लाइक रहता है, और यहाँ पर ब्रिलियंट YouTube वीडियोस जो कि आधे आधे घंटे के रहते हैं, इसको 2 लाख लाइक भी नसीब नहीं होता।
तो यार आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना। और यार अगर आप लोग को ऐसे ही इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।